हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीना नांदल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रूटीन हमारा शुरू हो चुका है और पिछले कुछ व्लॉग्स में आप लोग देखते आ रहे हैं कि हमारा सुबह का जो रूटीन है वो ऑलमोस्ट सेम है, और उससे आगे का आज मैं रूटीन आपको दिखाऊंगी। तो पहले सुबह का काम अभी ख़त्म कर रहे हैं, और आप लोग सोचते होंगे कि मैं दिल्ली तो कभी सिर पे चुन्नी नहीं लेती, और यहाँ हमेशा मतलब वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि चुन्नी होती है, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है और मेरे बाल लंबे हैं तो इसलिए कवर करती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। आई थी ना इसलिए बहुत ज्यादा हो गया। उनर क्या कर रही है तू? उनर क्या कर रहे हो आप? क्यों बाहर का सारा काम ख़त्म हो गया है और अब अंदर की बारी है। तो इस टाइम थोड़ा सा बाहर ठंडा मौसम रहता है तो बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि जब तक बच्चे अंदर आएँ तब तक सफाई हो जाए अंदर की, क्योंकि फिर वो नंगे पैर घूमते हैं, फिर बेड पे सोफे पे हर जगह चढ़ते रहते हैं और उनके पैर भी बिल्कुल काले हो जाते हैं यहाँ पे घूम घूम के ना, कभी मिट्टी में कभी। और आप लोगों को पता ही है बच्चे रेगुलर चप्पल नहीं पहनते, कभी नंगे पैर घूमेंगे कभी कह देंगे उनको तो चप्पल भी पहन लेते हैं। बट यहाँ पे ना घर बड़ा है और मेन रोड पे है तो धूल मिट्टी भी आती रहती है, और साथ साथ ना डेली आंधी आती है यहाँ पे, मतलब तेज़ हवा चलती है और खुला है मकान तो मतलब डस्ट तो यहाँ पे सफाई करने के घंटे दो घंटे बाद से ही आना शुरू हो जाता है, मतलब दिखना शुरू हो जाता है। और देखिए कैमरे के सामने भी आपको दिख रही होंगी धूल की कण छोटी छोटी ना, जैसे तारे तारे से आपको दिख रहे हैं इस टाइम। तो अभी मतलब सिर्फ सुबह का टाइम है, सफाई हो रही है और मतलब सूरज निकले एक डेढ़ घंटा ही हुआ था, मतलब फिर भी ऐसा सा मौसम रहता है यहाँ। और ये हुनर अपना पूरा बैग पैक करके लाई थी, इसमें इनकी बुक्स हैं और यहाँ टेबल पे ये निकाल के कलरिंग करते रहते हैं, कुछ अपना काम करते रहते हैं, तो वो सारा कुछ यहीं बिखरा रहता है, यहीं टीवी लगा हुआ है तो सारा दिन ये टीवी यहाँ पे मतलब जब भी देखना होता है इनका सामान यहाँ पे बिखरा रहता है। तो दिन में एक दो बार मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ और इनका बैग पैक कर देती हूँ वापस, कलरिंग वगैरह करने के बाद सारा समेटना होता है। कोशिश रखती हूँ कि इनको आदत डालूँ कि खुद पैक करके रखे, बट हुनर अभी थोड़ी छोटी है तो उसको बोल के कराना पड़ता है। और पीछे जो बेड है वहाँ बैठ के ये कमर और नाना जी दोनों मिलके कैरम बोर्ड खेलते हैं यहाँ पे। और नीचे की सारी सफाई हो चुकी है, अब मैं आई हूँ ऊपर, और ये ऊपर वाला रूम है, मतलब दो रूम है ऊपर, एक मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये सेकंड रूम है और आज इसकी सफाई करनी है। कुछ कर चुकी हूँ और कुछ अभी बची हुई है। और ये जो दीवार पे आप लोगों को हार्ट शेप दिखाई दे रही है, पिछली लगभग जुलाई में मैं आई थी तब मैंने ये किया था और उसकी वीडियो मैंने डाली थी, स्प्रे पेंट से मैंने ये किया था। तो किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। कई दिन हो गए हैं मुझे घर आ गए, तो जब से आई हूँ तब से मोस्टली ना नीचे की सफाई चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा है, धीरे धीरे करके सारी सफाई कर दी है मैंने। और कल यहाँ पे भी आई थी तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ से हटाया था मैंने, बेडशीट बहुत गंदी हो चुकी थी क्योंकि 4 महीने से लॉक था ये रूम, और आज इसकी सफाई की बारी आई है। तो कल पहले मैंने इस बेडशीट को धोया, आज पूरी डस्टिंग करूँगी, यहाँ की सोफ़े कवर भी मुझे हटाने हैं, धोने हैं ये भी, और थोड़ा सा उसके बाद ये रूम ठीक ठाक लगेगा। और डेली आंधी आ रही है यहाँ पे ना डेली, पहले तो मैंने सोचा था कि आते ही साफ़ कर दूँगी, बट अभी इसमें किसी को रहना नहीं था इसलिए मैंने आते ही साफ़ नहीं किया, मगर तब तक ये फिर गंदा हो जाएगा।
और फाइनली आज इसका नंबर आया है, बट बाहर अभी ना इतनी जोर से आंधी आई हुई है, आपको दिखाती हूँ बाहर चल के। आप लोगों ने बेडशीट देख ली होगी, बट मैं अब क्लोज़अप में आपको दिखाऊंगी इसे, और उसकी ख़ासियत आपको क्लोज़अप में देखने से ही पता चलेगी, क्योंकि वैसे आपको शायद उतना अच्छा ना लगे। ये मोर पंख हैं पूरी बेडशीट पे, और देखना जितना मैं क्लोज़अप करती जाऊंगी ना, बिल्कुल ये ऐसे लगेंगे कि जैसे रियल हैं। एक एक पंख मतलब ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा, मतलब मेरे घर में दिल्ली भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मोर पंख हैं या मोर बना हुआ है, तो ये मतलब हमें सबको ही ना बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ऐसी चीज़ मिलती है ना मार्केट में, कोई भी हो चाहे वो, तो हम छोड़ते नहीं हैं उसको, फटाफट ले लेते, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है मतलब देख के ही मोर पंख। और बस आज की मेरी यहाँ की सफाई हो चुकी है, और ये भाई की शादी का फ़ोटो है जो फ्रेम कराया है, अभी लगाया नहीं है, इसको रखा ही हुआ है ये कवर करके, तो आज इसको भी मैं लगाऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना। बाय बाय।